हाँ राम राम दादा। हाँ अरे यो कसो गाँव है लसुड़िया खेड़ी। यो बाबा रामदेव को मंदिर है। अच्छा मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझसे आमगढ़ आया हूँ और यो उनके बाबा रामदेव को यहाँ मैंने अपनी केसर वेसर भी बनाई है। तो यहाँ बाबा रामदेव के बाबा उन्होंने बताया तो के सब सफेद दाग की बीमारी ठीक हुई, सफेद दाग की बीमारी ठीक हुई। अच्छा उन्होंने बताया कि सफेद दाग की बीमारी भी ठीक हुए, सफेद दाग की बीमारी ठीक हुए। और बताई उन्होंने कि मैं दो तीन जना थी मलिया राम राम, उन्होंने बताया ये बीमारी नहीं ठीक हुए। तो मैंने क्यों यार ये तो पहली बार मालूम पड़ी है, बहुत पुराना था, बताया कि हजारों साल पुराना बाबा रामदेव का पगलिया भी यही आया था। हाँ पगलिया भी आया था ना। अरे घना पुराना मंदिर है, देव स्थान है, तीसरा नंबर का, कितना नंबर का, दूसरा नंबर का, पहले नंबर का कहाँ है रामदेवरा, दूसरे नंबर का ये कौन सा कहाँ सूर्या खेड़ी और ये ताल के पास में काका जी राम 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 काका जी राम राम है हाँ लसूड़िया खेड़ी तो ताल के पास में ही। जय बाबा राम, जय बाबा राम देव की जय। अगर काले तक जो आने साहब काले देख लीजिए। ओके सर, ओके भाई साहब नमस्कार। हाँ ये कौन सा गांव मंदिर का, ये लसूड़िया खेड़ी, ये लसूड़िया खेड़ी का मंदिर है बाबा रामदेव का है ना। ये ताल के पास में, ताल के पास में, ताल के पास, ताल फंटा से 2 किलोमीटर अंदर है, ताल फंटा के पास में, हाँ ताल के पास में। तो यहाँ की विशेषता बताओ गुरु जी के, जैसे बाबा रामदेव की क्या क्या विशेषता है। यहाँ की विशेषता भी ये है कि मतलब जो वाइट दाग वाले होते हैं, जो अपने सफेद दाग वाले, हाँ सफेद दाग, सफेद दाग वाले होते हैं, हाँ हाँ वो बिल्कुल यहाँ से ठीक हो जाते हैं, मतलब वो यहाँ के ठीक हो जाते हैं। तो जैसे कि मान लो किसी को सफेद दाग की बीमारी हो रही है, हाँ तो उसमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पर आके मतलब भभूत वगैरह और यहाँ से नमन जो लेते हैं रामदेव जी के हिसाब से, हाँ वो उससे स्नान करना पड़ता है और यहाँ से स्नान करने के बाद में घर ले जाओ, हाँ बाद में 2-4 बार नहाने से ठीक हो जाते हैं। अच्छा वो भभूत देते हैं, हाँ उस बबूत को पानी में डाल के, पानी में डाल के नहाना है, नहाना और नहाने से फिर वो उसकी बीमारी से ठीक होती है, हाँ बीमारी से। और हर बीज को मतलब एक दो बीज यहाँ पर आना पड़ता है, मतलब हर बीज के लिए, हाँ अच्छा एक महीने में एक बार आना पड़ता है। तो अब मान लो कि ये बाबा रामदेव का जैसे आज बाबा रामदेव की बीज है, हाँ जैसे कि चाय पानी का नहीं भंडारा हो रहा, तो आज ऐसा कोई केस आया कोई सफेद बबूती वाला आया था ना, बहुत सारा आया था। अच्छा बहुत सारे केस आए थे, सब भगवती वाले आए थे यहाँ, हाँ हाँ अच्छा तो यहाँ से यूँ बिल्कुल उनको बिल्कुल क्लियर होकर जाते हैं। अच्छा और बहुत सारे महीने 6 महीने लगते हैं, टाइम लगते हैं, पर बिल्कुल क्लियर होकर जाता है। दाल और दाल के बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर बहुत दूर दूर। अच्छा जैसे कि मान लो कि सब सफेद दाग की बीमारी जिन जिनको हुई, हाँ अच्छा 2-4 गाँव के नाम बताओ ना आप। ताल है, तो ताल है, मनुनिया, हाँ जमुनिया, हाँ पिपलिया, हाँ और ये पास में बैठी इस लड़की के लिए तो मतलब ये भी मतलब क्या हुई थी क्या है। हाँ। बेटा एक मिनट बोलते हैं ना बेटा, हाँ तू बोलेगी ना तो हमें मालूम पड़ेगी, ताकि जिसको बीमारी हो रही ना इसको तो हुआ था लेकिन वो ठीक हो गए, मतलब हो गया ठीक इसके, बोलने ठीक हो गई। हाँ बोलने बैठे रहे, बोलने बैठे क्या बेटा, तेरे को सफेद दाग की बीमारी हुई थी क्या है, तो यहाँ ठीक हुई थी तेरे को है। वाह ये बात तेरे को पूरा पक्का विश्वास है। हाँ ये अब इनको कह तो सकते ना अपन, कोई आदमी कह तो सकता है। हाँ इधर आओ, हाँ एक ही पिपलिया, हाँ आप कौन से गांव के हैं, पिपलिया सिसोदिया, पिपलिया सिसोदिया, यानी आपके भी कुछ सफेद दाग की बीमारी हुई, किसकी कहाँ पे हुई थी। अच्छा हाथ पे हुई थी, तो यहाँ बाबा रामदेव के आने से आपको आराम मिला। ये कौन सा गाँव है, लसूड़िया खेड़ी, ये ताल के पास में। अच्छा यहाँ पे है ना, जैसे मान लो कि आप आए लसूड़िया खेड़ी में आए, तो आप बबूत बबूत लेके गए थे। अच्छा कितनी बार आप आए, जो हम कम से कम 20 साल हैं, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो 20 साल से आपको भी आराम मिला। भाई ये भी साहब अच्छी बात बताई आपके, इस बालिका को भी आराम मिला, इसको भी बबूती बीमारी ठीक हुई है, या करड़िया गाँव की है न, इसको भी आराम। जैसे मान लो कि बबूत की बीमारी बहुत लोगों को है, मगर लोगों को मालूम नहीं है कि कहाँ कौन सा गाँव है, ये सब भाई साहब यहीं पे है न। भाई साहब आप भी ये रहते हो, तो यहाँ भी बराबर ये सफेद दाग की बीमारी का इलाज बराबर हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया सर, ये अच्छा बाबा राम जी की कृपा से। बोलो बाबा राम देव की जय, बाबा राम
रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय। ये लसूड़िया के लसूड़िया खेड़ी है नी, ये इन्हें ताल के पास। हाँ ठीक है साहब, अब इसको हम YouTube पर डाल देंगे कल, तो आप इसको YouTube पर देखना और इसको सर्च करना। मनोज ये कौन सा गाँव? लसूड़िया खेड़ी, लसूड़िया खेड़ी है नी। हाँ ताल कर देना पोस्टक में, तो ये आ जाएगा आप। ठीक है, मैं आपको है ना मेरा नंबर भी दे दूँगा।